हरियाणा दर्पण की टीम इस वक्त पहुंची है उकलाना गांव के, उकलाना विधानसभा के गांव मुगलपुरा में। आज हम यहाँ पर कुछ बड़े बुजुर्ग और युवा साथी डांस खेलते हुए मिले। हम इनसे जानेंगे कि क्या कुछ गांव का माहौल है, कौन सी पार्टी की सरकार चल रही है, गांव की बिजली की पानी की क्या कुछ समस्या है। महारा गांव में सबसे बड़ी समस्या तो यही है भाई, पानी को नहीं। एक तो लुगाई आगे सिर हो लिए गंजे ना, सरकार करती घोर, क्योंकि महारा गांव में और गांव में तो चार चार बार पाइप लाइन दबगी। सन 1994 में पाइप लाइन दबी थी महारा गांव में पानी की, वहाँ भी 3 इंची कनेक्शन थे उस टाइम पे गांव में 3, अरे कनेक्शन हो रहे 284, पानी कोनी गांव में पूरा में बस सर्विस का। अरे एक गांव में जो कॉलेज बने उसमें बस सर्विस कोनी, प्राइवेट बस भी को रुकती, सरकारी बस भी को रुकती। मेन समस्या है हमारा, जो पानी का समाधान करेगा वोट उसी देवांगे। सभी पार्टियों ने घोषित कर दिया, क्या कदम हो सकता है गाँव में? हमारा मूल तो ये क्या नाम है आपका? बीजेपी की, लेकिन ये बीजेपी सरकार ने हालात कुछ ऐसे कर दिए जमींदार के भी और आढ़तियों के भी सारे, लेकिन अब की बार बीजेपी सरकार को हम बोल रहे वर्कर, हम बीजेपी के जरूर थे, पूरा काम ने एक तरफा वोट दे दे पूरे बुजुर्ग भी हमारे परेशान है, युवा संघ परेशान है, सभी की प्रॉब्लम। मतलब बीजेपी सरकार ने कोई बीजेपी हमने बीजेपी पे विश्वास किया था, लेकिन बीजेपी हमने धोखा। अच्छा, सभी पार्टी ने प्रत्याशी को अब हमारे गांव से ये जो सीट देने के लिए हम जिताएंगे ना कि आशा केंद्र को, और जो पार्टी थी आशा केंद्र की जो उसमें बन गई है डॉट नॉन डॉट का एरिया, भाई जो बस चला है सरकारी हो प्राइवेट हो कोई असवारी ने नहीं चढ़ा अंदर ना तरदा मंडी तय नु कहेंगे सीधी भुन रुकेगी क्यों क्यों कोई सिस्टम है भाड़ा नहीं दें भी बना रखा है भुनना तो बस तैल पड़ेगी मंडी जाकर रुको जी गांव में शंकरपुरा को नहीं सिनाणा भी रुका है और मुगलपुरा और शंकरपुरा नहीं रुकती है। तो आपको बसों की समस्या है और सर ये समस्या है समस्या सर ये ही बच्चे नहीं दे सका मंडी दो घंटे अलग मंडी खड़ी रहा है दो घंटे अलग खड़ी रहा है तो फिर यह समस्या है और समाधान है का सड़क पर क्या कहना चाहिए आपका? मका टूटी नहीं आवना तो मारे रोजे एक दिन ना हो तो 10 दिन खड़े और क्या समस्या है आपके गांव की? भाई बताने लायक ये समस्या आप आपकी क्या कहना है क्या प्रतिक्रिया है? यही है बता। अच्छा अच्छा सेम यही तो मतलब गांव में काफी सारी समस्याएं हैं कोई विकास नहीं हुआ है महिला राम राम भाई राम राम। क्या नाम बताओगे आपका? जगदीश राम है। जगदीश जी क्या कुछ गांव की क्या कुछ समस्याएं हैं? समस्याएं तो ठीक है, पानी की किन्नत हो गई। अच्छा पानी की समस्याएं? हाँ पानी फुल समस्या है, लेकिन सरकार तो कह रही है कि हमने पूरा विकास किया है सभी गांव का, लगभग सभी लोगों के पास विकास पहुँचा है। यहाँ पानी की समस्या बड़ी तकड़ी है, पानी आवे बन गया पीने का पानी। पानी को लेकर क्या कुछ समस्याएं बताओगे आपके गाँव? और समस्या तो ठीक ही है। अच्छा अच्छा युवा साथी बैठे हैं इस वक्त हमारे साथ, भाई क्या नाम आपका? सोनू भाई क्या क्या कुछ समस्या है आपको युवा होने के नाते? सरकार ने कह दी कि हमने सभी को समान विकास करवाया है। मेरे विचार से तो भाई इस सरकार में समान विकास ही है, ठीक है। जिस प्रकार पिछली सरकार में देखा जाए ना तो यानी कि नौकरियों में पारदर्शिता नहीं थी, और इस सरकार में है ना ईमानदारी से, वैसे तो हर एक सरकार में होती है 5-5% फिर इस सरकार में बहुत ही कम है। इस सरकार में कितने परसेंट मान रहे? इस सरकार में बस ना 1-2% होगी। 1-2% मतलब कोटा लेते हुए सरकार में वाह बात तो है फिलहाल, यानी कि पिछली सरकार से ये सरकार बेटर मानता हूँ। क्या नाम है आपका? नवीन कुमार। नवीन कुमार जी क्या गांव की क्या कुछ समस्याएं हैं? हमारे गांव की भाई पानी की ज्यादा सबसे ज्यादा समस्या है, बड़ी समस्या, और तो कोई समस्या नहीं है। एक बड़कों के लिए मतलब कोई खेलने का कोई सिस्टम नहीं है, मैदान नहीं है। हमारे गांव के कई बार जा चुके हैं मतलब मैदान के लिए भी, मैदान नहीं आ रहा है यहाँ पे कोई भी खेलने का बच्चे। गांव में क्या माहौल चल रहा है, कौन सी बात नहीं?
गांव में दोनों तीनों तरफा ही चल रहे हैं, मतलब सोच रहे हैं मतलब कोई किसी को देने की, मतलब बीजेपी के भी ठीक हैं, बसपा के भी ठीक हैं, सभी अच्छे हैं, मतलब लोग उसको भी सोच रहे हैं भाई आगे वोटों के लिए तो कोई लड़ाई होता नहीं है, मतलब बस यही है हमारे गांव में सिर्फ एक पानी की समस्या और एक बच्चों जो जवान बच्चे हैं उनके लिए कोई खेलने का कोई मैदान नहीं है मतलब हमारे यहाँ पे उनके। राम राम जी, क्या नाम है जी आपका? राजेंद्र जी। राजेंद्र जी, क्या क्या कुछ मुख्य समस्या है आपके गाँव की? समस्या इतनी है कि जनान लग रहे को इतनी समस्या हो रही है, पानी के लिए, बिजली के लिए और जो समस्या बहुत ज्यादा समस्या है। तो बीजेपी सरकार कह रही कि हमने लोगों को अंतिम लोगों तक विकास पहुंचाया है, हर व्यक्ति के लिए काम किया है, क्या कुछ कहना चाहोगे आप इसके बारे में? बीजेपी से काम तो कर रही है लेकिन अपने काम लगते काम पहुंचा नहीं है, तो मतलब बातों बातों में विकास करें। जी, युवा साथियों से जानेंगे इनकी क्या कुछ समस्याएं हैं। जी, क्या नाम आपका? मोंटी नाम है। मोंटी भाई, क्या कुछ समस्या है आपके गांव की? समस्या यह है जी पानी वाली। पानी पानी की समस्या है सब तक मेन है, टूंटी मान लो बिल मान दिए बनी रह जाए पच्छे पानी, ठीक है हमारे घर तक तो पहुँचा गया, बाकी सारा काम मतलब पानी बने। क्या क्या कर रहे, क्या कहना चाहोगे? अच्छा अच्छा, तो मुख्य समस्या आपके गांव की पानी की है? पानी की और सफाई की। आपके गांव में शिक्षा व्यवस्था सबसे ठीक ठाक है? शिक्षा व्यवस्था सही है, बाकी सफाई नहीं है, लाइट का भी बुरा हाल है। क्या लाइट का भी बुरा हाल है? कई दिन आता है मतलब लाइट भी कट बहुत मार लगी मारे 22 घंटे, अब 9 बजे चली जावा, कदे 10 बजे चली गई, कदे 12 बजे चली गई, 3-3, 4-4 घंटे लाइट आवे को नहीं, इन्वर्टर मारा सिटी मार जाए है, लाइट की भी बहुत प्रॉब्लम आने लग रही है, पहले बहुत लाइट रही थी, स्कूल रहे, अंग्रेजी मीडियम कॉलेज रहे, गवर्नमेंट कॉलेज, फिर भी लाइट की समस्या है, तो इसका समाधान करना चाहिए सरकार, बनाएगा फायदा।